सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एचएफसीएल लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 10 रुपए 15 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 11% की करीबन की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 82 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में टॉप बना था 160 रुपीज पर, 116 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक का एक बड़ा सपोर्ट लेवल था 94 रुपीज का, उस प्राइस को स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया गया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक का जो नीचे का बड़ा सपोर्ट लेवल है वो 77 रुपीज पर है। इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है, जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहता है स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 77 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 120 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक अगर 77 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो इस स्टॉक के अंदर और बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। ऊपर में स्टॉक एक बार 94 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग ले लेता है तो स्टॉक में तेजी का मूवमेंट बनता हुआ नजर आएगा। पर जब तक स्टॉक 94 रुपीज से नीचे रहता है स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।